हेलो एवरीवन, मैं मनीष, मैं खुशी, आप सभी के पास दोबारा आए हैं एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। तो जैसा कि पिछली बार आप लोगों ने सीखा था, 16 स्टेप में गरबा का एक सर्कल राउंड स्टेप जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किया था, अभी हम लोग करने जा रहे हैं 14 स्टेप में गरबा ट्यूटोरियल, जो कि तालियों के साथ होने वाली है। जैसे हमारी गरबा होती है एक ताली, दो ताली, तीन ताली, वैसे ही हमारी जो गरबा है गरबा प्लस ताली के साथ में होने वाली है। आशा करते हैं कि पिछली वीडियो की तरह ये भी आपको पसंद आएगा और कोशिश करेंगे और मस्ती करेंगे, धूम मचाएंगे, तूफान उड़ाएंगे और पता नहीं क्या क्या कर जाएंगे। तो आशा करते हैं पिछली वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। आप जरूर से इसे अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जो मन करे वो करिएगा, लेकिन कमेंट देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जैसा कि मैंने बोला था, मैं अलग अलग ट्यूटोरियल एक पर्टिकुलर स्टेप्स के लिए नहीं बनाने वाला, ताकि आपको पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री देखने की कोई जरूरत नहीं पड़े। जी हाँ, इसलिए एक ही ट्यूटोरियल में मैं पूरे 14 स्टेप्स कवर करने वाला हूं। और आपको क्या करना है कि पहले 4 स्टेप सीखिए, फिर 4 स्टेप सीखिए, फिर 4, फिर 4, फिर 4, 4, 4, जब तक एक 4 क्लियर ना हो तब तक अगले 4 पे आप लोग ना आइए। अगर आप लोग एक ही दिन में करना चाहेंगे कर सकते हैं, बट क्लियरिटी के साथ में करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो बातें कम काम ज्यादा। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना ट्यूटोरियल, जो कि गरबा स्टेप का 14 स्टेप का एक पूरा ट्यूटोरियल होने वाला है। आर यू रेडी? आर यू रेडी? ओके, चलिए शुरू करते हैं। 1 पे 1 राइट लेग से 2 पे 2 3 पे 3 एंड 4 पे 4। इसको ये 4 स्टेप आपका दोड़िया होगा। यार एक बार फिर से देखिए, सिंपल से बता रहे, राइट पे राइट, लेफ्ट पे लेफ्ट, राइट पे राइट एंड लास्ट वन लेफ्ट पे लेफ्ट, डन। चलिए तो 5 6 7 और हैंड हमने बनाया था, जिधर जाएंगे उधर का हैंड हमारा डाउन होगा और ऊपर का हैंड ईयर एंड एल्बो दोनों इक्वल में होने चाहिए। कई लोगों का अभी व्हाट्सएप पे हमारे पास मैसेज भी आया था, आप लोग जो भी जुड़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप उससे जाकर के हमसे कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं। वो पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे गाइडेंस देने की। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको लगता है कि आपका हाथ नीचे है तो आप पूरी कोशिश करिए हाथ ऊपर ही करने की। जब आपकी आदत हो जाएगी तो धीरे धीरे वो नीचे भी आकर के वो अपनी प्लेस पे आ जाएगा। सबसे ये चीज आप लोग जरूर से ध्यान दीजिएगा। चलिए तो हम लोग हैंड के साथ में करते हैं, जिस साइड जाएंगे उधर का हाथ नीचे। अभी देखिए लेफ्ट जाना तो लेफ्ट नीचे, राइट एंड बैक साइड में लेफ्ट। रेडी? वन मोर टाइम करते हैं फिर हम लोग आगे का करते हैं। ये पिछले भी वीडियो में सेम चीज सिखाया गया है, अभी फिर से आप सीखिए। तो 1 पे 1 2 पे 2 3 पे 3 एंड 4 पे 4। ओके, तो इस पे अधिक टाइम नहीं दूंगा, स्टेप बाय स्टेप। अगर इसमें डायरेक्टली समझ में नहीं आया तो ही आप लास्ट वीडियो को देखिएगा, फुल्ली एक्सप्लेन हमने किया है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट 5 6 7 8 पे। ओके, तो 5 6 7 8 हमारा ताली के साथ में होने वाला है। तो पहला हमने क्या किया, मैं क्लैप, ठीक है, क्लैप। अभी देखिएगा कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे करता है, अभी यहां पर कुछ भी नहीं करता है, अभी सिंपल क्लैप, ठीक है, नॉर्मल क्लैप 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 क्लैप। और अभी हम लोग क्या करेंगे, 5, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो करेंगे उसको काउंटिंग नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया, 5 ओपन,
ओके 5 6 7 8 फाइव ओपन। अभी क्या करना है आपको, हाथ पे ध्यान देना कि आपने क्लैप तो मारा लेकिन आपका हाथ ये सामने से नहीं आ रहा है, आपने क्लैप मारा और ये शोल्डर के बगल से क्लैप। जैसे कि अगर आप लोग राउंड में है, बहुत अधिक गैदरिंग हो गई है, तो आपका एक क्लैप इधर हुआ और दूसरा क्लैप इधर हुआ, जैसे हम लोग कर रहे हैं 5 6 7 8 क्लैप एंड क्लैप। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्लैप एंड क्लैप अगेन 5 6 7 स्टार्ट क्लैप क्लैप। लेकिन अभी हम लोग इंडिविजुअली करते हैं, वो ग्रुप में कभी भी हम लोग सेट करेंगे। तो फर्स्ट मूवमेंट क्या है हमारा, 5 ओपन डन। अभी क्या करना है नेक्स्ट, अभी आप लोगों का राइट लेग आया है सामने, तो आप लोगों को वेरी इजी होगा कि आप लोग अपने लेफ्ट हैंड साइड से बैक टर्न कर लीजिए। ठीक है, और अब उल्टा करेंगे तो ये देखिए मेरा पैर फंस गया है। ठीक है, तो हमने कोशिश की है इसको फिर से मूवमेंट करने का, 1 2 3 स्टार्ट 5 ओपन, फिर क्लैप करते हुए अपने लेफ्ट हैंड साइड से टर्न करेंगे क्लैप। ठीक है, दिस इज नंबर 6, तो क्लैप की काउंटिंग करेंगे, तो 5 ओपन 6। अभी बैक साइड में क्या करना होगा, आपको अपना राइट लेग जो कि हमारा पीछे था उसको फिर से आगे करना है। ठीक, ऐसा। तो अब मूवमेंट आप देखिए क्या हुआ, लेग मूवमेंट आगे आपने किया, फिर चेंज किया बॉडी का लोकेशन, फिर आपने आगे किया, फिर सेम पैटर्न चेंज किया, फिर आगे किया, उसके बाद हम लोग कुछ नेक्स्ट करेंगे। तो सारा मूवमेंट हमारा कैसे हुआ, क्लैप ओपन, क्लैप करते हुए बॉडी चेंज किया, देन ओपन। अभी ओपन के साथ में भी हमारा एक हैंड मूवमेंट है, उस हैंड मूवमेंट के लिए सबसे पहले आपको मुट्ठी बनाना है, इन मुट्ठियों को ऐसे जोड़ना होगा स्ट्रेट में, ओके, और अपने राइट लेग के साथ में अपने एल्बो से हिट करना है ऊपर की साइड में। कैसे हिट करना है, ये ऐसा। ठीक है, लेग मूवमेंट भी ये पूरा मूवमेंट चलेगा ऐसा, फिर से एक बार ट्राई करिए 5 6 7 8 अप 2 3 स्टार्ट अप 2 3 स्टार्ट अप 1 more time 2 3 स्टार्ट अप। ओके, और ये चीज कंसंट्रेट करिएगा कि आपका जो हैंड है एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं, तो इसलिए एक हाथ चलता है, एक हाथ अपनी जगह पे स्टैचू रह जाता है, तो उसको प्रॉपर लुक नहीं आ रहा है। आप जैसे जितना इक्वल करेंगे तो उतना आपका मूवमेंट इक्वल दिखेगा। ओके, तो मूवमेंट आपका क्या होना है, फर्स्ट आपने क्लैप किया तो आगे किया, फिर क्लैप करके जब आप टर्न करेंगे तो आपका हैंड मूवमेंट ऐसा होगा, ये ऐसा, लेकिन कहां होगा, वो बैक साइड में होगा। तो मैं थोड़ा सा ऐसे हो जाता हूं, आप ऐसे हो जाइए। तो अभी हम लोग साइड में खड़े हैं और इसका मूवमेंट देखिएगा कैसे हम लोग करें, तो 1 2 ठीक है, साइड में हमने मारा और 3 क्लैप करते हुए घूम गए, ये हमारा बैक साइड है, ये हमारा फ्रंट साइड था, हमने मारा ये ऐसा। ओके, फिर यहां से मैंने क्लैप मारा, सेम मूवमेंट के साथ टर्न किया और सेम मैंने हटाया तो हमारा लेग ओपन। ठीक है, तो ये साइड मूवमेंट है, ध्यान दीजिएगा फ्रंट मूवमेंट है, फ्रंट हम लोग ऐसे करेंगे 2 3 स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट मूवमेंट में क्या होगा, जैसे आपने किया एवरी टाइम क्लैप की काउंटिंग है, तो क्लैप को काउंट किया, हैंड को बैक किया, क्लैप काउंट, ठीक है, फिर हैंड को बैक करते हुए आपका राइट लेग ही अगेन बैक साइड और बॉडी हल्की से झुकेगी। फिर से एक बार देखिएगा, समझिएगा मूवमेंट में सिर्फ लेग मूवमेंट पहले बना था आपको, ओपन टर्न बैक साइड, ओपन टर्न फ्रंट साइड, ओपन एंड डायरेक्टली बैक, फ्रंट साइड से ही बैक, अगेन रिपीट सेम चीज नहीं करेंगे। तो मूवमेंट फिर से एक बार देखिए, लेग मूवमेंट 5 6 7 8 ओके 2 3 स्टार्ट 5 6 7 8 और इन सब लेग मूवमेंट के बीच में आपका क्या है, क्लैप, और जब भी आपका मूवमेंट हो रहा है तो 5 ठीक लेग के साथ एंड इसको हिट किया एंड फिर से साइड किया एंड वापस करके रख लिया।
तो मूवमेंट एक बार हैंड और लेग के साथ ट्राई करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। 5 6 7 8 ठीक है, जितनी क्लैप हमारी वो काउंटिंग में जा रही है और सेकेंड नंबर जब हमारा लेग चल रहा था उसकी काउंटिंग में नहीं कर रहा हूं, इस पर ध्यान दीजिएगा आप। तो 2 3 स्टार्ट। 5 ओपन, 6 ओपन, 7 ओपन, 8 ओपन, रेडी। 5 6 7 स्टार्ट। 5 ओपन, 6 ओपन, 7 ओपन, 8 बैक साइड। ओके, तो अभी हम लोगों ने किया 1 2 8, तो एक बार हम लोग रिपीट करेंगे 1 2 8। 5 6 7 8, 1 पे 1 2 पे 2 3 पे 3 4 पे 4, 5 ओपन, 6 ओपन, 7 ओपन, 8 बैक साइड। रेडी, दो बार और करते हैं, आप लोग साथ में रिपीट करिए। 5 6 7 8, 1 पे 1 2 पे 2 3 पे 3 4 पे 4, 5 पे ओपन, 6 ओपन, 7 ओपन, 8 ओपन, एक लास्ट, रेडी। 5 6 7 8, 1 पे 1 2 पे 2 3 पे 3 and 4 पे 4, 5 6 7 पे 7 8 पे 8। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके आगे के स्टेप पे, 9 10 11 12। तो 9 10 क्या है, बहुत इजी। सबसे पहले इसके लिए क्या करना होगा, आपको राइट लेग को आगे रखना पड़ेगा लेफ्ट लेग के आगे। तो 5 6 7 8 9 खींचा हल्का सा, 10 खींचा हल्का सा, ठीक है, 2 स्टेप करेंगे। 5 6 7 8 9 10 अगेन, 2 3 स्टार्ट। 9 10 वन मोर टाइम, राइट लेग हमारा आगे है, लेफ्ट लेग पीछे है, राइट लेग चला हमारा, लेफ्ट लेग थोड़ा सा कवर किया, अगेन राइट लेग चला एंड थोड़ा सा कवर किया। याद करिए पिछले स्टेप में मैंने सिखाया था 16 स्टेप में एक लचक, तो लचक भी हमारा लगभग सिमिलर था, लेकिन उसमें मैं जंप और जंप कर रहा था, ठीक। हमारा क्या था, ये एंड ये मूवमेंट एंड बैक बैक बैक, तो लगभग सिमिलर तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये फ्रंट साइड से वो हमारा साइड था, लेकिन लेग मूवमेंट हमारा वैसा ही चल रहा है। तो हमने क्या किया, 9 10 11 12। ओके, 9 के साथ भी हमारा सेम चीज है, क्लैप ओपन, क्लैप ओपन। तो ट्राई करते हैं 2 3 स्टेप। 9, अब 9 का क्लैप क्या हुआ, अभी मैंने क्या किया कि आप लोगों को चिपकाना है, सिर्फ हैंड चिपकाया साइड में वाला, चिपकाया साइड में वाला। अभी आपका मूवमेंट क्या होना है, डाउन, वो भी झुक करके, मैक्सिमम क्या करते हैं ये अभी देखिए दोनों में कितना चेंज हुआ, 1 2 अभी 1 2 1 2, ठीक है, जो आप क्लैप करते हैं तो आपको हल्का सा डाउन होना है, फिर उड़ना होगा, ठीक। 5 6 7 8 हमने किया, 9 10 वैसे एक बार देखिए, 2 3 स्टार्ट। 9 10 9 10, तो इसको कोशिश करना कि कंटिन्यू जब तक ये स्टेप क्लियर ना हो जाए तब तक इसको आप करते रहिए। 5 6 7 8 9 10 9 10 झुक करके 10 एंड झुक करके 10 बन सके। 5 6 7 8 9 10 9 10 9 10 लास्ट 9 एंड 10। और अगर आप लोग ग्रुप में सीख रहे हैं तो सबसे बेस्ट है कि आप लोग एक सर्कल में ही घूमिए। कई लोगों का क्या होता है कि इस साइड से सीखा फिर उस साइड से सीखा और लास्ट में जब करना होता है कंफ्यूज, साइड चेंज हो गया तो कंफ्यूज, ओ फ्रंट किधर है बैक किधर है। तो अभी जैसे आप सर्कल में सीखते हैं तो क्या है आपका एक माइंड सेट हो गया कि हमको सर्कल में करना है, तो हमेशा तो आपको कोई भी फ्रंट इस फिक्स है और बैक आपका फिक्स नहीं है, तो इस पे जरूर से आप ध्यान देंगे। तो अभी हम लोगों ने सीख लिया कितना, 9 10, तो अभी बिगनिंग से हम लोग 9 10 तक करने वाले हैं। 5 6 7 go, 1 पे 1 2 पे 2 3 पे 3
फोर बिफोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. ओके वन मोर टाइम उसे शुरू कर रहे हैं. ओके फाइव सिक्स सेवन गो. वन पे वन, टू पे टू, थ्री पे थ्री, फोर पे फोर, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. ओके चलिए एक बार नाइन टेन का हम लोग फिर से करने देते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते. तो नाइन टेन क्या हुआ हमारा, नाइन टेन यस. अब हमारा आएगा इलेवन ट्वेल्व. इलेवन ट्वेल्व जो है जैसे हमारा नाइन इक्वल टेन इक्वल दोनों सिमिलर था, तो वैसे हमारा इलेवन और ट्वेल्व भी आपका सिमिलर ही है. और वो है सर्कल करते हुए, जैसे आपका ये सर्कल बना हुआ है तो आपने राउंड किया एंड राउंड किया. ठीक है राउंड भी आपको सर्कल में ही लेना होगा, ये ध्यान दिया. तो मूवमेंट आपका वन राउंड टू राउंड. रेडी फाइव सिक्स सेवन एट, वन राउंड टू राउंड. ठीक तो आपका मूवमेंट हैंड का क्या होगा, सिमिलर जैसे ये चलता है तो ये तो हमारा चलता ही रहेगा. लास्ट वीडियो में बताया था, अभी मैं फिर से बताता हूं. जब भी हमारे हैंड मूवमेंट्स होते हैं देखिए ऐसा हम लोगों को बनाना है. क्लासिकल में इसका नाम अल्प पद्मा है, ऐसा करके बनाएंगे. ओके और इसका मूवमेंट जो होगा सिर्फ वेरी इजी, हल्का सा लिया देन छोड़ दिया, लिया छोड़ दिया, आओ स्टॉप, आओ स्टॉप, आओ स्टॉप एंड लास्ट आओ स्टॉप. ओके तो सेम मूवमेंट अभी जितने भी मैं हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं तो ये सारे मूवमेंट पे सिर्फ एक सिंपल सा ये कलाई का मूवमेंट हम लोगों का चल रहा है. बाकी क्लैपिंग तो इजी है, उसके साथ में हमने थर्ड में स्टेप में ये ला दिया. तो अभी हम लोगों का मूवमेंट हो रहा था 11 एंड 12. तो 11 12 के लिए करना क्या होगा, हैंड के पहले राइट हैंड लेफ्ट हैंड ऊपर है, राइट हैंड नीचे. ओके तो हम लोगों को ऐसे करके उठाना पड़ेगा. कैसे किया, जैसे राइट लेग चला तो राइट लेग के साथ में ये किया फिर वापस आ गए एंड फिर से ऐसा किया फिर वापस आ गए. अभी मैं सीधे सीधे कर रहा हूं, जब आप लोग गरबा खेलते हैं तो जितना आप लोग मस्ती करना चाहें उसमें कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको स्टेप्स क्लियर होने चाहिए. तो एक बार स्लो स्लो करते हैं, पहले राइट लेग को आगे किया क्रॉस फिर घूम गए, फिर क्रॉस किया फिर घूम गए. रेडी फाइव सिक्स सेवन एट, क्रॉस राउंड, क्रॉस राउंड. ठीक वन मोर टाइम, टू थ्री स्टार्ट, क्रॉस राउंड, क्रॉस राउंड. और कोशिश करिएगा, जैसे बहुत जल्दी नहीं हो पाता है फेस का एक्सप्रेशन का और मूवमेंट, तो आपको देखना का है एकदम स्ट्रेट. अब देखिए मैं क्रॉस राउंड, जैसे राउंड किया डायरेक्ट मैंने देखा, मैंने बैक साइड में तो देखा ही नहीं. ठीक तो ये मैंने किया चेंज किया, ये किया चेंज किया, तो ये खूबसूरती थोड़ी सी और बढ़ा देगी. लेकिन अभी इस पे ध्यान नहीं देना है, अभी आपको मेन क्या ध्यान देना है, अपने सारे स्टेप्स पे. जब आपके स्टेप्स क्लियर हो जाते हैं तो उसके बाद हम लोग इस पे भी आ जाएंगे. तो 11 एंड 12, 5 6 7 स्टार्ट, 11 12. ओके तो अभी इसको हम लोग थोड़ा सा हाफ सर्कल में घूम के दिखाते हैं. 2 3 स्टार्ट, 11 12, 11 12. तो आपको प्रैक्टिस भी ऐसे ही करनी है, पहले एक स्टेप की एकदम मजबूती से प्रैक्टिस कर लीजिए देन नेक्स्ट स्टेप पे जाइए. तो अभी हम लोग करने वाले हैं 9 10 11 12. ओके 5 6 7 स्टार्ट, 9 स्टॉप, 10 स्टॉप, 10 11 12. ठीक है वंस अगेन रेडी 5 6 7 8 9 स्टॉप 10 चेंज 11 एंड 12 डन. अभी हम लोगों को करना है 13 एंड 14, लास्ट के हमारे दो स्टेप बच गए. तो उसका मूवमेंट क्या है, जैसे हम लोगों ने लास्ट किया ये आपने किया एंड ये किया फिनिश, और जैसे ये खत्म हो रहा है राइट लेग को आपको बढ़ाना आगे हाथ ऊपर जैसे मैंने हमेशा बताया, और ये आपने स्टैचू का पोज दिया. ठीक दिस इज नंबर 13 और इसको हम लोग काउंटिंग करें तो स्टॉप स्टैचू. ओके तो 13 स्टैचू. ओके तो आपने क्या किया 11 12
स्टैचू, दिस इज नंबर 13 एंड 14 क्या करना है, एक रिवर्स राउंड लेना है 14, समझ में आया? एक बार फिर से ट्राई करते हैं, तो 11, 12, स्टॉप एंड 14, ट्राई करें एक बार, 5, 6, 7, 8, 11, 12, स्टॉप एंड 14, तो अभी हम लोग करेंगे स्टॉप एंड 14 करेंगे, तो अभी देखिएगा सबसे पहली चीज कि पिछले ट्यूटोरियल में हमने बताया था उल्टा राउंड और सीधा राउंड, सीधा राउंड जो होता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड से होगा और उल्टा राउंड जो होगा वो हमारा राइट साइड से होगा, ओके। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, लेफ्ट साइड से राउंड किया, तो वो क्या कौन सा राउंड हो गया, सीधा राउंड, तो सीधा राउंड करते हुए 11 and 12, ओके। और जो उल्टा राउंड करना है मुझे, एक मैंने 13 स्टॉप दिया, देन राइट साइड से गोल घूमेंगे 14, ओके। एक बार फिर से देखिए, 2 सीधा राउंड, 1 स्टॉप एंड लास्ट वन रिवर्स बैक, 5, 6, 7, 8, 11, 12, स्टॉप एंड 14, एक और ट्राई करें, 5, 6, 7, 8, 11, 12, स्टॉप एंड 14, ओके। और जैसे 14 हमारे खत्म होगा, 14 देन 1 एंड 1, 2, 3, 4 अगेन काउंटिंग हमारी शुरू होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड स्टॉप 13 एंड बैक 14 देन 1, ओके। 5, 6, 7, 8 शुरू करते हैं, 1, 2, 3, go, 9, 10, 11, 12, स्टॉप एंड 14, ओके। फिर वन शुरू करेंगे, रेडी, एक लास्ट बार, और उसके बाद हम लोग बिगिनिंग से यहां तक वन बाय वन शुरू करके बताएंगे, फिर स्पीड में बताएंगे और फिर गाने के साथ में म्यूजिक के साथ में बताएंगे। और म्यूजिक अगर आपको चाहिए होगा तो हमारे ही चैनल पे मैंने म्यूजिक भी अपलोड कर दिया है, जो कि आपको इधर उधर सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ट्राई करते हैं 9 से, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, स्टॉप एंड 14, 1 and 2, फिर से एक लास्ट बार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, स्टॉप एंड रिवर्स बैक 14, 1 and 2। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पूरा बिगनिंग से 1 से लेकर के 14 तक करने वाले हैं। मैम अभी यहां पर रखिए, ओके। तो राउंडिंग ये है, हम लोग यहां से शुरू करें ताकि आप लोगों को पूरा दिखा रहे, हम लोग यहां से शुरू करके फिर अपना फिनिश करें, 5, 6, 7, go, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, स्टॉप एंड 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, स्टॉप एंड 14, 1, ओके। अभी इसको हम लोग म्यूजिक पे करके आपको दिखाने वाले हैं ताकि और अच्छे से क्लियर लगेगी, सारे स्टेप देखने में कैसे लगेंगे, ओके। 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, stop and 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, stop and 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, stop and 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, stop and 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, stop and 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, stop and 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, stop and 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, stop and 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, stop and 14, 1,
ये टोटल हो गया हमारा 14 स्टेप में एक पूरा गरबा का ट्यूटोरियल। और आप लोग छोटे छोटे स्टेप्स को प्रैक्टिस करिए और कोशिश करिए कि अच्छे से अच्छा करेगा, अच्छा करेंगे तो मजा आएगा तो एंजॉय होगा। और इस नवरात्रि आप सभी रेडी रहिए ऐसे ही धुआंधार धमाल और डांस के लिए। और अगली वीडियो में हम लोग कोशिश करने वाले हैं डांडिया, जी हाँ डांडिया के कुछ स्टेप सिखाने वाले हैं। इजी स्टेप होगा जो कपल में होगा और बिल्कुल मिस मत करिएगा उसको भी। और सबसे जरूरी चीज अपना प्यार देना बिल्कुल ना भूलें जी। कमेंट्स प्लीज जरूर से करिएगा ताकि उस कमेंट से हमें पता चलता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर कोई कमी है तो प्लीज आप अपने शेयर करिए मेरे साथ और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे उस कमी को कंप्लीट करने का। और डिस्क्रिप्शन में हमारा ऑडियो का भी लिंक है और साथ में नीचे में जाएंगे तो हमारा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट नंबर भी है। अगर कभी फंक्शन कराना है, कहीं कुछ भी कराना है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इस स्टेप में या फिर किसी भी स्टेप में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको जल्द से जल्द उस चीज को क्लियर कराने की। तब तक के लिए हम करते हैं बाय बाय और अगले ट्यूटोरियल में जल्दी मुलाकात होगी आप सभी से। तब तक के लिए नमस्ते।